गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन मंगलकर आज मैं आपको कक्षा दूसरी का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय 6 भाग नंबर 1 भाग की दीजिए। क 24 2 और 4 कितना हो गया 24। ये किसका चिन्ह है? भाग का। 3 तो हमको 24 को किससे भाग करना है? 3 से भाग करना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 भागे 24। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पहले संख्या 2 है। 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम 3 को 2 से भाग नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे? दूसरी संख्या लेंगे। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? 2 और 4 24। अब 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 8, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। कितने बार में आया? 8 बार। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और 24 इसके नीचे। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 4 में से 4 गया कट, 2 में से 2 गया कर, तो हमारा आंसर कितना आया? भागफल कितना आया? 8। तो भागफल बराबर 8, ये हमारा आंसर नंबर ख। 3 और 5 मिलकर क्या बनेंगे? 35। ये किसका चिन्ह है? फिर भाग का। 5, 35 को हमको किससे भाग करना है? 5 से। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 5 भागे 35। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे पहली संख्या 3 है। 5 बड़ा है और 3 छोटा है, फिर ये इससे भाग नहीं कर सकते, तो हम दूसरी संख्या लेंगे। तो 3 और 5 मिलकर क्या बन गया? 35। अब 5 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 31, 5 7 35। कितने बार में आया? 7 बार। 7 बार में क्या आया? 35। 5 में से 5 गया कट, 3 में से 3 गया कट, भागफल कितना आया? 7। तो आंसर बराबर भागफल बराबर 7। नंबर ग 5 और 6 मिलकर क्या बन गया? 56 भागे 7। हमको 56 को किससे भाग करना है? 7 से। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 7 भागे 56। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। 7 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है। 7 को हम 5 से भाग नहीं कर सकते, फिर हम दूसरी संख्या लेंगे। तो 5 और 6 मिलकर क्या बन गया? 56। तो 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 6 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। कितने बार में आया? 8 बार। 8 बार में क्या आया? 56। इसको घटा देंगे। 6 में से 6 गया कर, 5 में से 5 लिया कर, हमारा भागफल कितना है? 8। भागफल तो आज हमने क्या पढ़ा? अध्याय 6 में भाग पढ़ा। तो जैसे मैंने सवाल समझाया है, वैसे ही बाकी सवालों को बुक से देखकर कॉपी में हल करें। थैंक यू।